हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूँ सुजाता। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ दाल वड़ा या सांभर वड़ा, जो भी कहिए वो उसकी। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है, यहाँ पे उड़द की दाल है, तो बिना छिलके वाली उड़द की दाल है ये। तो इसे मैंने सोख करके रखा था, 2 से 2.5 घंटे के लिए सोख करके रखना है, जो इजीली देखिए हाथ से टूट रहा है। और चने की दाल भी मैंने ली है, दोनों की क्वांटिटी सेम है और दोनों को मैंने 2.5 से 3 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों को हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए, चने की दाल को मैंने पीसा है, इस तरह से हमें पीसना है, ये देखिए। तो पानी हल्का हल्का देंगे और पीसते जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो चने का दाल था वो पीस चुका है। अब हम उड़द की दाल को भी पीसेंगे। तो उड़द की दाल देखिए भी मैंने दरदरी पीस ली है। अब इन दोनों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं डालूंगी इसमें कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है और आधी छोटी चम्मच मैं लूँगी यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने कटे हुए करी पत्ता, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। और ये साउथ इंडियन डिश है तो ये बहुत ही यमी लगता है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे लिया है, मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सैलो फ्राई कर रही हूँ जितना हो सके हेल्दी करने के लिए। तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और हाथों से ही इस तरह से मैं बना रही हूँ वड़े। और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे तलेंगे। बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लगते हैं और हेल्दी भी हैं। दाल है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता शरीर को। और जितना कम हो सके हम इसे तेल में सेकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे बड़े, तो मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तरह हम अपने सारे बड़ों को तल लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं इसे कैसे सर्व करते हैं ये बता रही हूँ। तो बड़ों को किसी प्लेट या बॉल में लेंगे और सांभर के साथ सर्व करेंगे इसे। सांभर की रेसिपी मैंने पहले ही वीडियो पे दे चुकी हूँ, इसलिए सांभर की रेसिपी नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ सांभर लेंगे और उसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च और चाट मसाला जो भी डालें, और ये बहुत ही यमी लगती है फ्रेंड्स। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।